सुप्रभात बच्चों, मेरी हिंदी पुस्तक वन निकालिए। अध्याय 8। भालू का तमाशा, पेज 32। ग घ अंग च मैं अभी कराऊंगी। आप लोग सभी स्कूल का होमवर्क कॉपी, स्कूल डायरी, पेंसिल और इरेजर निकालें। सभी फॉलो कीजिए। देखिए, मैं प्रश्न ग का उत्तर लिख रही हूँ। प्रश्न ग, ग प्रश्न। रामू क्या? प्रश्न ग का प्रश्न है, रामू क्या लेकर आया और भालू ने उसे कैसे खा लिया? रामू क्या लेकर आया और भालू ने उसे कैसे खा लिया? आप लोग सभी उसको लिखिए। रामू क्या लेकर आया और भालू ने उसे कैसे कैसे खा लिया खा लिया कैसे खा लिया? उत्तर मैं यहाँ लिख रही हूँ। उत्तर, देखिए, रामू पूरी पूरी आलू लेकर आया और भालू ने उसे झट झट से खा गया। रामू पूरी आलू लेकर आया और भालू ने उसे झट से खा गया। प्रश्न क्या है? रामू क्या लेकर आया और भालू ने उसे कैसे खा लिया? उत्तर, रामू पूरी आलू लेकर आया और भालू ने उसे झट से खा गया। अभी घ का प्रश्न आप लोग सभी लिखिए। खरबूजा कौन कौन लेकर आया? प्रश्न घ, खरबूजा खरबूजा कौन कौन लेकर आया?
ठीक है, खरबूजा कौन कौन लेकर आया? उत्तर, खरबूजा खरबूजा रानी और तरबूजा नानी लेकर आया। ठीक है, खरबूजा कौन कौन लेकर आया? खरबूजा रानी और तरबूजा नानी लेकर आया। खरबूजा रानी और तरबूजा नानी लेकर आया। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न अंग 。ठीक है, थका भालू वाला मदारी मदारी खेल खेल दिखाकर दिखाकर भाग भाग दिखाकर भागा भागा रुपए रुपए रुमाल रुमाल में उठाकर उठाकर। ठीक है, देखिए अभी कौन कैसे भाग खड़ा हुआ। थका भालू वाला उत्तर है प्रश्न अंग का। कौन कैसे भाग खड़ा हुआ? उत्तर, थका भालू वाला मदारी खेल दिखाकर भागा रुपए रुमाल में उठाकर। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। प्रश्न ग, रामू क्या लेकर आया और भालू ने उसे कैसे खा लिया? उत्तर, रामू पूरी आलू लेकर आया और भालू ने उसे झट से खा गया। प्रश्न ग, रामू क्या लेकर आया और भालू ने उसे कैसे खा लिया? उत्तर, रामू पूरी आलू लेकर आया और भालू ने उसे झट से खा गया। प्रश्न घ, खरबूजा कौन कौन लेकर आया? उत्तर,
खरबूजा रानी और तरबूजा नानी लेकर आया। प्रश्न घ, खरबूजा कौन कौन लेकर आया? तो उत्तर, खरबूजा रानी और तरबूजा नानी लेकर आया। प्रश्न अंग, कौन कैसे भाग खड़ा हुआ? उत्तर, थका भालू वाला मदारी खेल दिखाकर भागा रुपए रुमाल में उठाकर। कौन कैसे भाग खड़ा हुआ? उत्तर, थका भालू वाला मदारी खेल दिखाकर भागा रुपए रुमाल में उठाकर, भाग खड़ा हुआ। ठीक है, इसके बाद आप लोग च, च में देखिए, निम्न च प्रश्न में निम्न शब्द में बड़ा उ की मात्रा सही स्थान पर लगाएं। ठीक है, तो च जो है इसमें मैं पहले लिख रही हूं ध प द र आ ल। जो प्रश्न है मैं पहले लिख रही हूँ, यहाँ आप लोग भी पहले लिखिए सभी, भा ल, इसके बाद म ली प रे, इसके बाद ड म र सरज स र ज क प र ख र ब ज में आखिरी मात्रा पाला त क ब त र, उसके बाद है प त ल न। ये मैं प्रश्न को लिखी हूँ। च का प्रश्न है निम्न शब्द में बड़ाऊ की मात्रा सही स्थान पर लगाएं। अभी मैं बड़ाऊ की मात्रा सही स्थान पर लगा रही हूँ, कैसे? ध प, ध में बड़ाऊ, प धूप दूर, द में बड़ाऊ र दूर, आलू आ बड़ा, ल में बड़ाऊ आलू। ये है